वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। संदर्भ है उसी किताब में, मैं लेके आया हूं। इसका सार यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी और आतंकवादी संगठन हैं आइसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या यह लाइन पी चिदंबरम जी की है? क्या यह लाइन शशि थरूर जी की है? क्या यह लाइन और विचार मनी शंकर अय्यर के ही केवल है? ऐसा नहीं है। यह आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या ये सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें क्या? उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आइसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आइसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया? और ये बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। साजिश क्या है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी, कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें, विकास की बात करें।
पांच विधानसभा के चुनाव जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। उनकी नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है, तो ध्रुवीकरण कैसे कराएं, दंगे कैसे हों। और आज समय आ गया है, हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की, अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको ये बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आइसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, ये आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदंबरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आप के निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और ये भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है, भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दे। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो हिंदुओं का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड आई एम अ हिंदू, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस।
ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोले, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ABP News आपको रखे आगे।